अच्छा, जब एक बार आपका प्रीलिम हो गया तो मेंस की तैयारी के लिए आपने क्या प्लानिंग बनाई, कैसे कैसे किताबें ली आपने? जहाँ पे रह रहे थे हमदर्द स्टडी सर्किल में, तो वहाँ पे काफी सारे सीनियर्स थे, उनसे पूछा कि जो जिन्होंने कंप्लीट किया था पहले, कि आप कैसे कैसे मेंस की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने चीजें गाइड किया कि देखो पहले एक एक टॉपिक वाइज नोट्स बनाना शुरू करो, ऑप्शनल को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दो। तो सबसे ज्यादा ऑप्शनल को इम्पोर्टेंस दिया, 3 महीने लगभग होते हैं, तो उसमें 1 से 1.5 महीना ऑप्शनल, बाकी 1.5 महीना जो है आंसर राइटिंग और सिलेबस कंप्लीट। तो असल में लोगों ने पहले ही कह दिया था सीनियर्स ने कि प्रीलिम से पहले एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि बाद में मुश्किल होती है, तो सिर्फ बाद में आंसर राइटिंग करेंगे। तो वैसे ही किया और बाद में आंसर राइटिंग की, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। तो ये आंसर राइटिंग पे बहुत हम देखते हैं यूपीएससी के और भी लोगों से, बीपीएससी के लोगों से भी मैंने बात की, तो आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा उनका फोकस रहता है। इसमें क्या खास बात है जो बाकी इम्तिहान से अलग है? आप तो ग्रेजुएशन लेवल का ये है, ये क्राइटेरियन तो इसका ग्रेजुएशन है, तो उसी के लिहाज से क्वेश्चन आता है, लेकिन जो आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हैं और जो यहाँ इम्तिहान देते हैं, दोनों के क्या क्या फर्क है लिखने में? क्या प्रॉब्लम ये है कि बेसिक फर्क ये है कि यूनिवर्सिटी में जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको पास करना है, तो आप 50% 60% मार्क्स ला लेते हैं तब भी आप सक्सेसफुल हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो यहाँ पर क्या करना है, आप जो लिख रहे हैं वो स्टैंड आउट करना चाहिए बाकी लोग जो कुछ और लिख रहे हैं। तो अगर आप कुछ अलग लिखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप सब्जेक्टिव आंसर्स को अलग कैसे बनाएं, तो ये बहुत भारी बहुत टफ काम हो जाता है। जैसे कि अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे अपने आर्गुमेंट को जो है सब्सटेंशिएट करने के लिए डेटा रिपोर्ट्स, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के केसेस, आर्टिकल्स, कंस्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, ये सब इनपुट करना पड़ेगा अलग से, कुछ अलग से ग्राफ बनाना पड़ेगा, कुछ अलग से कुछ कोट करना पड़ेगा। तो ये सब आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको वहां तो बस पास करना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत ओपन एंडेड सवाल आता है कि किसी चीज का डेफिनेशन है और उसके टाइप्स बताइए और एस और उससे क्या क्या एडवांटेज वगैरह है। यहाँ क्या है, यूपीएससी में एकदम एप्लीकेशन बेस्ड और एकदम टू द पॉइंट सवाल आता है, और आपके पास वक्त कम होता है और पेज लिमिटेड होता है कि 3 ही में लिखना है, 4 ही में लिखना है। तो अब आप एक जरा भी इधर उधर करते हैं, अगर आप डाइग्रेस करेंगे टॉपिक से, तो फिर बाकी लोग तो एकदम टू द पॉइंट लिख रहे हैं, तो आपसे जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही लिखना होता है, और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए काफी सारी चीजें जोड़नी होती हैं। तो ये काफी अलग है यूनिवर्सिटी एग्जाम से।